तो ये इन्हीं भी नहीं, ये एक ही मैं बचा, ठीक है, आई नहीं यस कभी, मैम। ठीक है। तो क्या था, थ्री हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मैं किसके बारे में पढ़ा, टेस्टिस है ना, टेस्टिस का जो होता यस है, मैम, उसके बारे में पढ़। या तो क्या क्या, ठीक है। तो तीन हार्मोन है बेटा, एस एंड्रोजन जो कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है, जो कि क्या कंसंट्रेट होता है, हाँ, वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। हाँ वो क्या करता है, मतलब ठीक करता है, ताकि तुमको स्पर्म है उसको मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके, ठीक है। और इनहिबिन क्या है, अगर जरूरत से ज्यादा हो रहा है, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, लिख लेना तुम, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन जो है, ये ज्यादा अगर रिलीज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, उसको इनहिबिट करेगा, मतलब उसको सही लेवल पे लाएगा, ठीक है। कहाँ से, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो करता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, मुलेरियन, न्यू ले रियन, ठीक है। देखते हैं बेटा, अगर 1.5 घंटा हो जाता है तो 1.5 घंटा हम कर लेते हैं आज, ठीक है। थोड़ा से ज्यादा हो जाए तो कर लेंगे, ठीक है। और चलो आगे देखो, इन वी बिटरी हार्मोन, ठीक। तो ये क्या करता है बेटा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, MIH, ठीक है। तो इसको और क्या बोलते हैं बेटा, और इसको हम बोल सकते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन, क्या बोल सकते हैं, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन, यस सर। शॉर्टकट में AMH, ठीक। ये क्या करता है, ये बेटा सप्रेस कर देता है, सप्रेस मुलेरियन डक्ट, मीन्स फॉर्म जो यूट्रस में है, यूट्रस हो गया या फैलोपियन ट्यूब में है, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा क्या यस है, सर। एम्ब्रियोनिक लाइफ में, मतलब जो जो बेबी डेवलप होता है ना, उसमें क्या करता है, मुलेरियन डक्ट जो होता है ये सप्रेस हो जाता है, और ये क्या फॉर्म, किसमें फॉर्म हो जाता है बेटा, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये मुलेरियन, ठीक है। तो आप इसको लिख दो, सप्रेस मुलेरियन डक्ट, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो किसको, टू फॉर्म क्या बना लेता है बेटा, फॉर्म मैंने लिखा है FORM, ठीक है ना, FROM नहीं लिखा है, समझ में आया, क्या बना लेता है, यूट्रस, यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब में, FT लिख दे रही हूँ, ठीक है, आप यस मैम। लिख लेना, किसमें, इन एम्ब्रियोनिक, ठीक है, इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, ओनली इन एम्ब्रियोनिक लाइफ लिख लेना, ओनली यहाँ पे ओनली लिख, ठीक है बेटा, समझ में आया। यस मैम। और ये आपको ल्यूमिनल, एक नोट्स लिख लेना, ल्यूमिनल पार्ट फ्रॉम पुबर्टी, प्यूबर्टी 13 to 14 ईयर, ये लिख लेना, इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट्स में लिख लेना। ल्यूमिनल पार्ट मैंने फिगर में बनाया ना, ल्यूमिनल यस मैम। फॉर्म है, कब बनता है, पॉवर्टी पे, ठीक है, 13 to 14 ईयर, ठीक है, मतलब जब तुम्हारा मतलब मैच्योरिटी, मतलब धीरे धीरे, मतलब एफसी वगैरह जब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा हम शॉर्ट में, थोड़ा एक चार्ट आता है एग्जाम में आपके,
आप चार्ट बना के भी कर सकते हो या एमसीक्यू भी आ सकता है। किसी कोई चार्ट की वे में समझते हैं बेटा, आप लिखो हेडिंग हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं हेडिंग में लिख देती हूँ यहाँ पे, हार्मोनल हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, इसमें हम देखेंगे होता क्या है कि देखो मेनली होगा क्या, जैसे कि हाइपोथैलेमस है जो ब्रेन तुम्हारा जो होता है, हाँ ब्रेन में, ब्रेन का तीन पार्ट है ना, फ्रंट मिडिल और एंड जो पीछे का जो होता है, तो फ्रंट का जो होता है उसमें ही तुम्हारा हाइपोथैलेमस आता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है, ये तुम्हारा GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं ओके GnRH। तो ये इसका पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है, ये इसको स्टिमुलेट करता है। मैं पॉजिटिव लिख रही हूँ यानी कि स्टिमुलेट करना, नेगेटिव लिख रही हूँ यानी कि म्यूलेट करना। ठीक है, नेगेटिव मतलब इनहिबिट करना। yes. कब करेगा, जब उसका हाई लेवल हो जा रहा है तो उसको सही लेवल पे, ये नहीं कि उसको खत्म कर रहा, समझ रही हो बेटा, उसको yes, ma'am. जो लेवल है वही लेवल पे ला कर रखा है। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस जो है ये हार्मोन रिलीज होगा, इससे ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। किसको, एंटीरियर, ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना फिर से। Yes, pituitary gland है, ठीक है, मास्टर माइंड जो yeah. तो इसको ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अब क्या, अब ये क्या, अब जब ये भैया अब चार लोग सोए, एक दूसरे को जगाया, दूसरा तीसरे को जगाया, मतलब तो इन्होंने इनको जगा दिया, अब ये क्या करे, आप कर जल्दी जल्दी भैया, अब FSH और LSH को ये सिक्रेट कर दे रहे, ठीक है, क्या कर रहे, करे भैया तुम लोग भी जग जाओ, हम तो सो रहे थे, तुम लोग भी जगो। ये कौन है, ये FSH मतलब क्या, मैंने बताया था ना फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, और LSH हार्मोन है, ठीक है, ICSH भी बोलते हैं। तो अब ये क्या करता है, अब ये भाई है, इन दोनों को ये स्टिमुलेट कर दिया, निकाल दिया, ठीक है, हार्मोन हार्मोन है, सब हार्मोन ही रिलीज कर रहा है, या इसको और क्या बोलते हैं, मैंने दिखाया था ना ICSH है ना, तो अब क्या होगा बेटा, अब ये क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे किसको, सेरोटोनिन, मैंने सेरोटोनिन सेल बताया था ना जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। यस मैम, हां, ये क्या करेंगे, रिलीज सेल, ठीक, ये इनको स्टिमुलेट किए, ये इनको, समझ में आया सब, yes, तो आके मतलब फॉलो करना है, क्या नहीं समझ में आएगा बोलना, ठीक है। अब ये क्या किए, yes, इन्होंने क्या, इन्होंने मतलब इन्होंने भी पॉजिटिव लिख लिया ना यहाँ पे, मतलब स्टिमुलेट कर रहा है। अब सेरोटोनिन जो है ये दो सेल को, दो हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है, किसको किसको, एक इनहिबिन, मैंने अभी तुमको इनहिबिन के बारे में लिखवाया, मतलब इनहिबिट करेगा, इनहिबिट करेगा यानी यानी कि सेरोटोनिन सेल ज्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड कर दे रहा है या, ठीक है, तो उसको ये कहाँ हो रहा है बेटा, ये तुम्हारा टेस्टिस, ठीक है, मैं अभी ये जो यहाँ से लेकर अभी बनाऊंगी, ठीक है, कहाँ तक गेड़ दिया मैं बताती हूँ, ये सब टेस्टिस के अंदर हो रहा है, इनहिबिन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, और है बताया नहीं, सेमिनल ट्यूब्यूल, यस मैम,
तो उसी में सब ये सब कुछ जो हो रहा है सैमुअल उसी में ना हो रहा है बेटा। हाँ ये पैरास्टिमुलस में ही हो रहा है, उसी में ही तुम्हारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये भी इनको पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, ये भी इनको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मतलब ये इसको कर रहा है ना, दो करता है ये, एक पॉजिटिव इसको एक जरूरत से ज्यादा अगर नरिशमेंट हो तो उसको इनहिबिट करके ये सिग्नल कहाँ भेज देगा भाई, जो कुछ भी हो रहा है यही से हो रहा है ना। हाँ तो ये किसको नेगेटिव इफेक्ट भेजेगा, स्टॉप कर देगा इसको, मतलब रिलीज करो ज्यादा हो रहा है ना, इधर ये पॉजिटिव कर रहा है इधर ये नेगेटिव, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम आ रहा है। अब देखो ये क्या रिलीज करेगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो कि ये भी तुम्हारा स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो अब मैंने तुमको बताया ये सब तुम्हारा टेस्टिस के अंदर है, यहाँ से Yes, ma'am. और क्या ये क्या पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, ये दे रहा है तुम्हारा डेवलप कर रहा है ना, क्या डेवलप करता है बेटा बताओ, डेवलप कर रहा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को yes, ma'am. और करेक्टर को भी। करेक्टर ठीक है, समझ में आया। और yes, ये तुम्हारा निगेटिव, फिर ये निगेटिव इफेक्ट देगा कहाँ, कहाँ पे निगेटिव, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, कब निगेटिव इफेक्ट मिला, जब मैंने बताया था ना इन एक्सेस, ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा लिख लो या एक्सेस लिख लो। ठीक है, समझ में आया? यस मैम आया। और इसको भी देगा, इसको भी बोलेगा कि निगेटिव इफेक्ट हो। ठीक है, मतलब आया ये स्ट्रक्चर समझ में बेटा? यस मैम आया। देखे बना लोगे ना? हाँ। तो इसको समझे रहना। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं, नया एडिट डालो स्पर्मेटोजेन से, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा वो देखते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से ही समझो, स्पर्म जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आप लिखो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। शिवा पढ़ाई हुआ है कि नहीं? हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा, बोले हो डाइट से पढ़ाने के लिए? रीमा दीदी बोल रही थी कि शिवा पढ़ाई नहीं करता है, बहुत गंदा लड़का हो गया। देखो अब ये क्या हो रहा है, इनसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में कहाँ बनता है बेटा, इसको हम कहाँ बनता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहाँ रहेगा तुम्हारा, टेस्टिस कहाँ अंदर रहेगा, टेस्टिस, टेस्टिस। चलो अब ये तुम्हारा कब स्टार्ट होता है, पुबर्टी पे। ठीक है, स्टार्ट पुबर्टी। ठीक है, यानी कि 13 टू 14 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, हाँ, पुबर्टी जो है अंडर इफेक्ट ऑफ जी एन आर एच, मैंने तुमको बताया था ना गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जो होता है। ठीक है, यस मैम,
ये हाइपोथैलेमस जो अभी ऊपर बताया मैंने हाइपो थे हाइपोथैलेमस ही ना रिलीज करता है हाइपोथैलेमस एंड एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन ये कौन करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी करता है ना ब्रैकेट में मैं इधर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड समझ में आया अब इसका तीन स्टेज है बेटा ध्यान से समझना तीन स्टेज होगा इसमें चलो थ्री स्टेज होता है बेटा एक होता है मल्टीप्लिकेशन फेज दूसरा होता है ग्रोथ फेज तीसरा होता है मैच्योरेशन फेज ठीक है जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको समझ में आ जाए मतलब अब स्पर्म जो है कैसे उसका मल्टीप्लिकेशन फेज होता है मतलब माइटोसिस ग्रोथ फेज कैसे होता है मैच्योरेशन फेज कैसे होता है ठीक है तो आप देख लो तीन स्टेज होता है पहले एज हो जाएगा ये आप देखो मल्टीप्लिकेशन फेज होता है यानी इसमें क्या होता है माइटोसिस होता है माइटोसिस इंपॉर्टेंट है आता क्वेश्चन ठीक है एक सेल से दो सेल में डिवाइड होता है ठीक है बेटा यस की बात करें एग्जैक्ट कॉपी मतलब बनाते हैं ग्रोथ सी की बात करें तो मैच्योरेशन अब इस पंप का भी तो मैच्योर होना मतलब जरूरी है ठीक है बेटा म्यूसिस ऐसा नहीं कि इसका भी एक स्टेज है कि इस स्टेज पे वो मैच्योर होगा ठीक है Yes, अब इसका देखो फंक्शनल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है स्पर्मेटोसिस बोलो या स्पर्मेटोलियोसिस ठीक आप देख लो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या होगा स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस ठीक है दोनों एक ही है हाँ क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म लास्ट स्टेज है सब हम किसके बारे में पढ़े स्पर्म का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है तो इसमें क्या हो रहा है ट्रांस इसमें मैं बता रही हूँ ठीक है ट्रांस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड ठीक है स्पर्मेटिड नाम पे फोकस रखना इनटू स्पर्म है ना Yes, अब
लास्ट लास्ट हेडिंग है इसमें तुम्हारा इस परमिएशन, इस पर मतलब इसमें क्या होता है कि स्पर्म का हेड जो है ऊपर मैंने फिगर बनाया था ना सर्कल करके, और हाँ. से स्पर्म को अटैच करवाया था ना, तो स्पर्म हेड वो क्या करता है डिटेच हो जाता है बेटा कहाँ से, फ्रॉम सेरेटोइड सेल से, और ये कम इनटू द क्या जाता है ये वहां से डिटेच होके रिलीज क्या करता है रिलीज ऑफ द स्पर्म आउट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से क्या क्या करता है स्पर्म को क्या कर देता है बेटा रिलीज कर देता है. ठीक है ये लास्ट स्टेज है. yes, तो इसमें आप लिखो स्पर्म ठीक है स्पर्म हैड ठीक है डिटेच वो एक्चुअली इसको पेनिट्रेट करके उससे नरिशमेंट वो अपना लेता है. ठीक है अब जब उसको नरिशमेंट हो गया तब इसका हेड जो है उससे डिटेच हो जाएगा, मतलब डिटेच मतलब क्या हो जाएगा निकल जाएगा अलग हो जाएगा अलग हो जाएगा होगा ना भाई. अब उसका काम निकल गया सर ठीक है इससे अलग हो जाएगा और कहाँ जाएगा कम बाहर निकलना है ना तो कम इनटू बाहर निकलने के लिए हम किस में जाएंगे यूरिनल जाएंगे ना यूरिनल में ही जाएंगे ना यूरिनल एंड रिलीज समझ में आया और स्पर्म को रिलीज कर देगा स्पर्म कहाँ बाहर की तरफ आउट ठीक है ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो कुल मिला के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही मतलब सब इनका सब कुछ हो रहा है. ठीक है स्पर्म को बाहर निकाल दे रहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है अब आगे चलते बेटा आगे लिखो ये चीज लिखो कि आफ्टर स्पर्मेटो जेनेसिस डेवलपिंग स्पर्म इम्बेडेड टू हाँ चलो लिखते हैं पहले आफ्टर इस नोट में लिख लेना कि आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस ये जो है ना ये कब होता है ये तुम्हारा आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक डेवलपिंग स्पर्म sperms embedded ठीक है embedded करेंगे मतलब धसेगा बेटा किसको धसा रहा है its head फिगर पे फोकस करना है its head को embedded कर रहा है कहाँ embedded its head into cell मैंने अभी ऊपर बताया था ना लिखा नहीं है cell लिख सकती हो न्यू फ्रिशर ठीक है समझ में आया यस मैम. आगे अब इसको एक कहानी के बारे में समझते हैं कि दो रिच आदमी थे सर मतलब अमेरिकन थे सर ठीक है फिगर के थ्रू बताती हूँ फिर उसके बाद में
थोड़ा फिगर के थ्रू बता के फिर उसको मैं इसके फिगर को ठीक है। ओके तो इसके फिगर को समझने के लिए पहले मतलब इसका जो चार्ट है कैसी स्पर्मेटोजेनिस कैसी स्पर्म का जो चार्ट बनाएंगे उसको समझाने से पहले मतलब एक एग्जांपल देके मैं ऐसे ही समझा रही हूँ उसके स्टोरी को समझना तो फिर तुम बना लोगी फिगर ठीक है। हाँ चलो yes, ma'am. तो देख दो क्या कह रहा है दो टू रिच अमेरिकन है सर अमेरिकन ठीक है दो हैं सब जो कि क्या है सब मतलब बिजनेस करने का तरीका मतलब कैसे इन सब कैसे यह रिच हुआ सब ठीक है। तो होता क्या इन्होंने क्या किया ऑटोमोबाइल पे बिजनेस स्टार्ट किया दोनों ने इस पे ऑटोमोबाइल के कंपनी पे मतलब उन्होंने मतलब फॉर्मेशन पे तो एक का नाम मान लो क्या हो गया सैम ए कि दूसरा क्या क्या कंपनी था सैम बी ठीक है ना। यस मैम स्टोरी समझ आ नहीं समझ में बोल देना। तो अब क्या होता है इसने क्या मतलब एक ही दुकान पे अपना डेवलप किया ठीक है बट ये जो है सेकंड वाला तो इसने जो डेवलप किया वो वही मतलब एक ही दुकान उसका वो फॉर्म हुआ बट ये जो है इसने क्या किया ये ऑटोमोबाइल भी स्टार्ट किया क्लोथिंग का भी दुकान खोल दिया मेडिसिन का भी खोल दिया ठीक है अलग अलग मतलब बिजनेस कई दुकान मतलब अपना ये खोला बी जो है आप देख सकते हो ऑटो मोबाइल तो कर ही रहा था पढ़ाने के लिए साथ में क्लोथिंग का भी किया मेडिसिन का भी ठीक ओके मतलब और तीन चार मान लो ये एक्स्ट्रा कर रहा है इसके कंपेयर तो इसका ज्यादा बिजनेस होगा ना तो ये अब ये कर रहा है यानी कि ये डबल डिवाइड हो गया जो मैंने तुमको माइटोसिस लिखाया था ना बताऊं yes, ये सेम बी हो गया इसके कंपनी के नाम सेम बी ही पड़ा ठीक है और ये भी सेम बी। अब इसने मतलब दो लोगों को पकड़ा ठीक बताया अब इन दोनों ने भी दो लोगों को पकड़ा कंपनी को डेवलप करने के लिए भाई अब एक से दूसरे को जोड़ेगा दूसरे को फिर चार जोड़ेगा फिर चार आठ को जोड़ेगा है एक नहीं तभी ना कंपनी तुम्हारा yes, किससे पे हो जाएगा डेवलप ये बताओ तो अब क्या हुआ इसने क्या किया हाँ इसने भी सेम बी सेम बी इसने भी सेम बी ठीक ऐसे ही होते गया मतलब डिवाइड होते गया ये कहां तक पहुंचे सब ये सेवन स्टेज तक बेटा ठीक है कहां तक सेवन स्टेज मतलब ऐसे ही डिवाइड होते गया डिवाइड करते गया सेवन स्टेज मतलब आप लिख सकती हो ना कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना सेम बी 120 हो जाएगा ठीक है ओके अब क्या होगा जब हो जाएगा तो फिर से तुरंत रीस्टार्ट करेंगे ठीक है अब इनका कंपनी ग्रो हो रहा है ठीक है ये मतलब माइटोसिस हो जाएगा बेटा ठीक है माइटोसिस होगा तो 100 यहाँ पर लिख लो आप माइटोसिस ये क्या हो रहा है माइटोसिस ही हो रहा है ना एक से दो बन रहा है फिर आगे फिर तो माइटोसिस हो रहा है तो 120 ये तुम्हारा बन जाएगा। अब क्या अब इसमें ये जो है इसने सब तो अपना बिजनेस किया अब इसमें क्या किया इसने क्वालिटीज को क्या कर दिया हाफ कर दिया मतलब देखो क्वांटिटी को हाफ कर दिया ये जो है ये जो बी वाला जो है बी है सब बी है क्योंकि बी के बारे में ही हो रहा है ठीक है तो आप देख सकते हो मतलब नया समझ जाओ ये क्वालिटी को हाफ किया यहाँ पे आप लिख लो क्वालिटीज हाँ मतलब क्या किया क्वालिटीज हाफ किया
और इससे इसने एक सन और दूसरा साइन, दो कंपनी खोल दिया, समझ रही हो? ये अभी तक तो भाई कंपनी ये तो चल रहा था, आप इसने सिर्फ इसकी बात में कर रहे हैं। इसने किया, इसने क्या किया, ऑटोमोबाइल अक्लोथ का किया, क्या किया, ऑटो मोबाइल और क्लोथ, ठीक, सिर्फ दो 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 ही किया, ठीक, क्वांटिटी को हाफ कर देंगे, मेडिकल कॉस्मेटिक भी है, ठीक है, कॉस्मेटिक ये फोर हो गया ना, दो और ये दो, क्वांटिटी को हाफ कर दिया तो दो इधर आ गया। इसने क्या किया, मेडिसिन, मेडिसिन का खोला और कॉस्मेटिक का, ठीक है, इसने दो कंपनी अलग अलग हाफ हाफ कर दिया, अभी तक तो चारों चल रहा था एक साथ में, है ना, इसने हाफ कर दिया। अब इसने क्या किया, हाफ करके, हाफ करके इसने क्या बना लिया, सुपर मेल बना लिया, क्या बना लिया, इसने सुपर मेल बना लिया, मतलब ये सुपर मेल कंपनी का नाम है, समझ जाओ, ठीक है, सुपर मेल, मतलब भाई अब ज्यादा हो गया ना, सुपर मेल कैसे बन रहा है, इसने क्या किया, अपना नॉलेज इसको दिया और इसने क्या किया, अपना नॉलेज इसको दिया, ठीक, एक दूसरे नॉलेज, भाई मैंने तुमको पढ़ा दिया, ठीक, अब तुमने मुझे मतलब कुछ अच्छा जो भी तक मेरा मतलब कुछ अच्छा अपना हम खोल सके, जो तुमको नॉलेज बताओ वो तुम बता दे, ये दोनों एक दूसरे को बता दें तो ये इसका बिजनेस ये कर सकता है और ये जो है इसका बिजनेस कर सकता है, दोनों एक दूसरे का बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं, यस मैम कर सकते, इसलिए ये सुपर मेल बन गए, सुपर मेल बन गए, ठीक है। अब क्या, अब जो सुपर मेल जो है, अब सुपर मेल जो है ये आगे आगे क्या हो गया, सुपर हो गए, ज्यादा डेवलप हो गए, ठीक है, क्या हो गया, सुपर सुपर, ठीक, ये भी आपका सुपर, कहानी समझ में आया, अब देखो, यस मैम, ये तुम्हारा, ठीक है, अब इसके हम फिगर बनाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हो रहा है, ठीक है, सब मैंने हेडिंग लिखा ना, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना बेटा, यस मैम, पढ़ रहा है, ये एक स्टोरी था, अब देखो स्टोरी को हम बनाते हैं, देखो ये हीलियम हो गया, हाँ ये तुम्हारा, ठीक है, तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, अब इन्हीं सब जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, तो इसमें ही हम क्या करेंगे, रेप्लिकेशन फेज डालेंगे, ग्रोथ फेज डालेंगे, और भाई एक तरफ से ये जो मैंने कहानी बताया, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि ग्रोथ फेज आ गया, आया ना, और डेवलप सबसे मैच्युरेशन हो गया, ओके ना, मैच्युरेशन क्वेश्चन आता है बेटा, सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, तो मैच्युरेशन जो होता है, लास्ट जो थर्ड फेज होता है, वो तुम्हारा लॉन्गेस्ट फेज होता है, मैं अभी लिखाऊंगी, ठीक है, ये इन तीनों को स्ट्रक्चर बनाता है, इन तीनों, समझ गई हो, यस मैम, तो देखो स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले दो स्टेज बनेगा, क्या बनेगा, मान लो एक सेल मैंने ले लिया, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है बेटा, वही बता रही हूँ, ठीक है ना, सेल आपने लिया, ये है सबसे पहले हम लिखते हैं स्पर्मेटो गोनिया, सबसे पहले रहता है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया ए वन, यहाँ पे आप 12 46 क्रोमोसोम होगा, ठीक है,
डिप्लॉयड होगा। यस मैम। आपका क्वेश्चन स्पर्मेटो को नहीं क्या होता, डिप्लॉयड है कि अप्लॉयड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपका स्टेज क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हुआ आगे, ये हो जाएगा आपका स्पर्मेटो गोनिया बी। कहानी लागू हो रहा है ना। यस मैम। अब यहाँ पे बेटा माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस यानी कि स्पर्मेटो, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसिस, ठीक। ये एक्ट करेगा तुम्हारा स्पर्म सेल्स, जर्म सेल्स जो है, ठीक है, एक्ट ऑन स्पर्म, जर्म सेल जो है ना, मैंने लिखवाया था ना। यस मैम। सेल्स, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, अवॉइड, हाँ ये सब तुम्हारा अवॉइड। आगे का स्टेज हो जाएगा, अब ये डिवाइड करेंगे बेटा, ठीक है, माइटोसिस करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दो जाएगा ना, ये भी तुम्हारा क्या होता है, 2n होगा, 46, ओके, तो अब ये डिवाइड हुआ, ये स्पर्म इसी तरह बेटा ओजेनेसिस होता है, ओजेनेसिस में मतलब एग का कैसे, ओवरी का कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसी तरह नाम से ही देखो, ठीक है, तो अब ये दो हुआ, अब ये दो आगे जाके कहानी में यही हो रहा था ना बेटा, हाँ हो रहा था ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीन जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये डिजेनरेट हो जाएंगे, ये जो हो जाएगा, देख सकती हो टू एन, ये भी डिप्लॉयड होता है 46, ठीक है, और मेल की बात हो रही है, यानी कि 44 प्लस एक्स वाई होगा ना, मेल है ना, ये 44 हो गया, ये 45, ये 46 हो जाएगा ना, ये स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, आप लिखो इधर, ये किस में बन रहा है, स्पर्मेटो, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं, मल्टीप्लीकेशन, जैसे मैंने 120 जो बताया, तो तुम फर्स्ट स्पर्मेटो वो नहीं बोल सकती, स्पर्मेटो